हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं क्लास 10 फिजिक्स लेसन फर्स्ट प्रकाश के परावर्तन पाठ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 4 नंबर में पूछा जाता है। अब ये टॉपिक कौन सा है दोस्तों, तो बहुत ही देखिए अवतल दर्पण की 6 स्थिति। अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ होती हैं, आपको तो ये पता ही होगा आप क्लास 10 में होंगे। तो जब वस्तु अनंत पर हो, ये पहली स्थिति होती है अवतल दर्पण के लिए। मैंने अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ याद करने का ट्रिक एंड प्रतिबिंब कहाँ बनता है याद करने का ट्रिक आगे वीडियो में डाल दिया है, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे बनता है अवतल दर्पण की पहली स्थिति। पहले मैं एक स्थिति बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरी पहली स्थिति। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसे बाहर से पॉलिश कर दूं तो ये मेरा अवतल दर्पण हो जाएगा। तो मैं इसे बाहर से पॉलिश कर देता हूं दोस्तों। तो ये मैं पॉलिश कर दिया ये। अब एक इस पर एक मुख्य अक्ष खींचना है, तो मुख्य अक्ष चलिए खींच देते हैं एक। तो मुख्य अक्ष देखिए स्केल की सहायता से खींचिए, तो पी पोल मुख्य अक्ष ये हो गया दोस्तों। पी पोल मुख्य अक्ष एंड ये ध्रुव। अब दोस्तों हमें अनंत ले जाना है। अब अनंत दो टाइप के होते हैं, देखिए एक जो मुख्य अक्ष के समांतर होता है उसको भी अनंत ही कहते हैं दोस्तों। तो मैं मुख्य अक्ष के समांतर लाइनें खींच देता हूँ, ये लाइनें अनंत होती हैं। जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वो लाइनें अनंत होती हैं, कभी किसी को काटती नहीं हैं, तो इसलिए ये अनंत हो गई, ये ऐसे चली जाएंगी। तो ये मैंने 4 लाइनें मुख्य अक्ष के समांतर खींच दिया। तो ये आपको ऐसे खींचने हैं दोस्तों। अब आपको क्या करना है कि आपको यफ से इसको ले जाना है, क्योंकि जो वस्तु अनंत पर होती है उसका प्रतिबिंब यफ पर बनता है दोस्तों। तो आपको इसे यफ पर सभी को मिला देने हैं, ये ऐसे मिला दीजिए, फिर जहां मिले वहीं आपको यफ कर देना है दोस्तों। ये ऐसे आप मिला दीजिए, ऐसे आपको मिला देना है, स्केल की सहायता से आपको मिलाना है ताकि गलत ना हो दोस्तों। प्रतिबिंब काफी ये आपको यहाँ यफ कर देना है, ये आपका यफ हो गया। प्रतिबिंब कहाँ बना दोस्तों, यफ पर, यहाँ आपका सी होता है। अब दोस्तों ये आपका प्रतिबिंब यफ पर बना, यानी कि जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं उसका प्रतिबिंब यफ पर बनता है। एंड ऐसे तीर लगा दीजिए कि ऐसे आई ऐसे चली गई, ऐसे आई ऐसे चली गई, ऐसे आई ऐसे चली गई, ऐसे आई ऐसे चली गई। तो ये मेरा था पहला प्रतिबिंब में कैसे बनाएं। अब आपको नीचे थोड़ा लिख देना है कि जब वस्तु अनंत पर होता है, ऐसे आप लोगों को थोड़ा लिख देना है, होता है तब प्रतिबिंब यफ पर वास्तविक तथा उल्टा बनता है। किस तरह बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है, ये आपको लिख देना है नीचे। एंड ऐसे ही आपका प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनता है। तो दोस्तों ये था मेरी पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो तो ऐसे आप लोगों को प्रतिबिंब बना देना है दोस्तों। अब मेरी दूसरी स्थिति क्या है तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी दूसरी स्थिति है, जब वस्तु सी के पीछे हो। अब दोस्तों जब वस्तु सी के पीछे होता है, सी के यानी कि वक्रता केंद्र के पीछे होता है, तो प्रतिबिंब आपका दोस्तों यफ तथा सी के बीच में बनता है। तो चलिए मैं आप लोगों को प्रतिबिंब बना के दिखा देता हूँ दोस्तों। तो आपको यहाँ देखिए सी लिख लेना है एंड यहाँ आपको यफ लिख लेना है दोस्तों। अब सी के पीछे हो तो इस लाइन को थोड़ा चलिए बढ़ा देते हैं दोस्तों। तो मैं लाइन को बढ़ा दिया एंड अब मैं यहाँ से कुछ तीर यानी कि ले चलता हूँ, यहाँ से मैं मतलब प्रकाश की किरण ले चलता हूँ। ये एक ऐसे गई, अब ऐसे जाएगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चलिए ले चलते हैं दोस्तों। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब ये किरण जो आपकी है दोस्तों ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली गई। अब ये किरण आपकी कैसी जाएगी, ये आपकी जब वक्रता केंद्र से जो किरणें जाती हैं वो
उसी जैसे जिधर जाती है उसी में वापस लौट जाती है, जैसे सी से गई तो सी पर चली गई। ये तीन शर्त आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों। अब ये ऐसे गई एंड ऐसे चली गई, एंड ये ऐसे गई एंड ऐसे ही चली गई, उसी रास्ते से आई उसी रास्ते से चली गई। अब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, ये मेरा प्रतिबिंब बना। अब ये हमारा था कैसा, अब ये हमारा रखा था प्रतिबिंब वस्तु ये अपान बी, एंड ये उल्टा था बना तो बी डैश अपान ये डैश, ये हमारा दूसरी स्थिति है। तो दोस्तों आपको यहाँ लिख देना है, थोड़ा लिख देना है कि यफ तथा सी के बीच में जब वस्तु सी के पीछे हो तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो आपका कहाँ बनेगा दोस्तों, सी तथा यफ के बीच में, के बीच में, के बीच में कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। तो यही दोस्तों मेरी दूसरी स्थिति है। अब तीसरी स्थिति चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब दोस्तों मेरी तीसरी स्थिति है जब वस्तु सी पर हो। दोस्तों जब वो सी पर होती है वो आपका केंद्र होता है, अब केंद्र पर है तो वो सी पर ही बनेगी, यानी कि केंद्र पर ही बनेगी। तो मैं इस देखिए कैसे बनाना है आपको, ये ऐसे आपको मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेना है, ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस एंड यहाँ आपका पोल होता है दोस्तों, तो पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। अब दोस्तों आपको सी पर ले जाना है तो सी आपको यहाँ लिख लेना है एंड यफ आपका यहाँ लिख लेना है, आपको यफ सी एंड यफ आपको लिख लेना है दोस्तों। अब आपको क्या करना है कि एक आपको देखिए आपका सी पर बनेगा तो आपको यहाँ से एक ले जाना है, अब ये आपको यहाँ इसके समांतर हो जाएगा, ये इसके समांतर हो गया तो ये कहाँ से जाएगा दोस्तों, कहाँ से जाएगा, यफ से। अब दोस्तों हमें सी पर बनाना है, देखिए एक फोकस से मैं ले जाता हूँ किरण, फोकस से चलिए मैं एक किरण ले जाता हूँ, ये मैं फोकस से ले गया एंड मेरा किरण ऐसे आपको मिला देना है, अच्छी तरह से मिला दीजिए, ये मैंने मिला दिया दोस्तों। अब ये देखिए थोड़ा यहाँ आपका बन जाएगा, यहाँ आपका बन जाएगा, तो यहाँ आपका जो है प्रतिबिंब बनेगा यानी कि सी पर ही बनेगा। तो यहाँ आपको लिखना है ए बी एंड यहाँ आपको उल्टा लिखना है ए बी डैश ए डैश, ऐसे आप लोगों को लिख लेना है एंड आपको तीर लगा देना है दोस्तों ऐसे। तो ये आपका था तीसरा नंबर। अब मैं आप लोगों को चौथी स्थिति बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आपको लिख देना है कि जैसे जब वस्तु सी पर होता है तो प्रतिबिंब सी पर बनता है तथा सामान्य साइज का प्रतिबिंब बनता है बराबर, एंड और आपको लिख देना है वास्तविक तथा उल्टा बनता है। यहाँ आपका देखिए वस्तु से छोटा आपका प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ तो आपका एकदम छोटा प्रतिबिंब बना था बिंदु साइज का। तो ये सब मैंने आप लोगों को प्रीवियस अगले वीडियो में बता दिया है, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी चौथी स्थिति है जब वस्तु सी तथा यफ के बीच में हो। अब वस्तु जब आपका सी तथा यफ के बीच में होता है तो आपका प्रतिबिंब सी के पीछे बनता है दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ एंड देखिए आपको इसे बाहर से पॉलिश करना है दोस्तों, अवतल दर्पण है आपका ये। अब दोस्तों ये आपका अवतल दर्पण हो गया, अब आपको एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेना है, तो आप एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच लीजिए दोस्तों। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक खींच लीजिए, देखिए चलिए मैं आपको खींच के दिखा देता हूँ, ये आपकी एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो आपको एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया मैंने। आप देखिए दोस्तों आपका जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो उसी के पीछे बनेगा तथा सी तथा यफ के बीच में होगा। तो यहाँ सी आपको कर देना है एंड यहाँ यफ कर देना है एंड पी तो आपका यहाँ ही रहेगा। अब आपको देखिए एक सी तथा यफ के बीच में है आपका, तो सी तथा यफ के बीच में से ले जाना है
ऐसे आप लोगों को ले जाना है एंड यहाँ से आप लोगों को ले जाना है दोस्तों, ये आपको यहाँ से यहाँ एफ से ले जाना है एक किरण। एंड अब आपको क्या करना है कि यहाँ से एक किरण ले जाना है, ये ऐसे आप लोगों को ले जाना है। इसे थोड़ा मैं आप बढ़ा देता हूँ, ये मैं थोड़ा बढ़ा दिया दोस्तों ताकि मेरा पहुँच सके किरण। अब देखिए दोस्तों, अब हमें ऐसे एक किरण ले जानी है एंड सी से जाएगी तो सी पर ही चली जाएगी। तो ये देखिए एंड इसे भी थोड़ा बढ़ा दीजिए, ये तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना दोस्तों, तो सी के पीछे बन गया। कहाँ बना दोस्तों? सी के पीछे। अब ये मेरा सी के पीछे प्रतिबिंब बन गया, यहाँ प्रतिबिंब बना। अब यहाँ आप लोगों को लिख क्या देना है, देखिए दोस्तों आपको लिखना कहाँ क्या है, यहाँ आपको ए बी लिखना है एंड यहाँ आपको बी डैश ए डैश लिख देना है, बस इतना लिखना है। एंड आपको तीर लगा देने हैं, क्या लगा देने हैं? तीर। तो ये ऐसे गई, ये ऐसे चली गई, ये ऐसे आई, ऐसे चली गई। दोस्तों ये थी मेरी चौथी स्थिति। देखिए दोस्तों चौथी स्थिति में आपको क्या लिखना है, तो आपको लिखना क्या है दोस्तों चौथी स्थिति में, कि जब वस्तु कहाँ हो, सी तथा एफ के बीच में हो, तो प्रतिबिंब सी के पीछे वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए वस्तु से ये बड़ा है, आप लिख सकते हैं दोस्तों वस्तु से बड़ा बनता है, तो वस्तु से बड़ा बनता है एंड वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो यहाँ मैं थोड़ा लिख देता हूँ, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, इसे याद रखना, वस्तु से बड़ा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। तो ये मेरी थी चौथी स्थिति दोस्तों। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पांचवी स्थिति। तो पांचवी स्थिति भी आपकी कोई हार्ड नहीं है, आप लोगों को इसकी सहायता से एक अच्छा सा ये ऐसे खींच लेना है दोस्तों। एंड मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच देता हूँ, मुख्य अक्ष, एंड यहाँ आपका पोल हो गया। अब दोस्तों हमारी पांचवी स्थिति में क्या होता है कि जब वस्तु आपका सी पर हो, सी पर, मैंने देखिए दोस्तों यहाँ आपका जैसे सॉरी फ्रेंड्स यफ पर हो, यफ सी पर तो मैंने बता दिया, यफ पर हो। अब यफ पर जब मेरी आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। जब आपका यफ पर वस्तु हो तो आपका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब आपको यहाँ से किरण ले जानी है दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बनाकर। अब आप लोगों को ये ऐसे ले जाना है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये फोकस से होकर जाएंगी दोस्तों। ये तीन रूल आपको याद होनी चाहिए, जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर हो तो फोकस से जाती हैं, सी से सी पर ही चली जाती हैं, एंड जब आपका यफ से जाए तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब आप लोगों को यहाँ से एक किरण ले जाना है, यहाँ से एक किरण आप लोगों को ले जाना है, ये तो ये कभी एक दूसरे के मिलेंगे नहीं, कभी मिलेंगे नहीं, ये आपका अनंत है, इनफाइनाइट है। तो यहाँ आप लोगों को लिख देना है ये तथा बी। अब ये तो मेरी इनफाइनाइट है, क्या है? अनंत है दोस्तों, इसे मैं नहीं लिख सकता, तो ये मेरा अनंत हो गया। एंड इसे आप कुछ नाम दे दीजिए, यम यन ये नाम दीजिए, ऐसे सभी में आप दे सकते हैं नाम। तो ये था मेरी पांचवी स्थिति। आपको इसमें क्या लिखना है, थोड़ा लिख देना है दोस्तों कि जब वस्तु यफ पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा तथा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। अब दोस्तों मेरी लास्ट स्थिति कौन सी है? छठवीं स्थिति। ये मेरी लास्ट स्थिति है एंड ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जा चुका है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरी छठवीं स्थिति क्या है दोस्तों, तो वो मेरी स्थिति क्या है, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि छठवीं स्थिति हमारी क्या है। तो ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है मेरा, जब आपका जो वस्तु है
वस्तु पी तथा यफ के बीच में हो, के बीच में हो। तो ये दोस्तों आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये स्थिति आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसे आप लोगों को याद रखना है, इस स्थिति को आप लोगों को कई बार याद रखने हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बनाकर। ऐसे आप लोगों को एक अवतल दर्पण बना लेने हैं दोस्तों, ये ऐसे आप लोगों को पेंट कर देने हैं इसे बाहर से। मेरी लास्ट स्थिति है दोस्तों, अब आपको इसे बाहर से पेंट कर देने हैं एंड एक आपको प्रिंसिपल एक्सिस बना लेने हैं, यानी कि मुख्य अक्ष। ये मैंने मुख्य अक्ष, यहाँ आपका पी हो गया पोल, अब यहाँ आपका दोस्तों पी हो गया। एंड अब आपको क्या करना है कि इसमें आपका सब दर्पण के इधर ही बनता था प्रतिबिंब, देख सकते हैं आप लोग दर्पण के इधर इस साइड में, अब आपका इसमें दर्पण के इधर बनेगा। अभी देखिए प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों। तो आपको देखिए पहले आपको क्या करना है, तो दोस्तों देखिए आपका जो ये देखिए, यहाँ आप यफ दे दीजिए, यहाँ आप सी दे दीजिए। अब देखिए आपकी वस्तु तो यहाँ है दोस्तों, ये तो आपको कोई कुछ करना नहीं है, यहाँ से आप लोगों को ले जाना है, यहाँ से आपको ले जाना है यफ से ही, क्योंकि वो आपका ये इसके समांतर है। अब एक आपको ये ले जाना है दोस्तों, ये ऐसे जाएगी दोस्तों। अब इसे आप लोगों को इधर ऐसे डॉट लाइन से मिलाना है, ये आपकी डॉट लाइन से मिला देना है दोस्तों। अब मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसे आप लोगों को इधर भी मुख्य अक्ष खींचना है थोड़ा। अब मेरा प्रतिबिंब ये बना, कहाँ बना, पीछे, देखिए प्रतिबिंब जो मेरा था दर्पण के पीछे बना। तो अब हमें यहाँ नाम क्या देना है, तो यहाँ ए बी देंगे, लेकिन यहाँ हमें ए डैश बी डैश उल्टा नहीं देना है, क्योंकि आभासी बनना है एंड सीधा बनना है। चलिए यहाँ आपको लिखना क्या है दोस्तों, कि जब वस्तु यफ तथा पी के बीच में हो, बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे आभासी, यही आपका आभासी तथा सीधा बनेगा, और सब वास्तविक में उल्टा, आभासी तथा सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी लास्ट स्थिति एंड आपको मेरी आशा की समझ में आ गया होगा, 6 स्थितियाँ एंड आप बहुत ही अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं अवतल दर्पण की 6 स्थिति, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न किया, प्रैक्टिस किया। तो दोस्तों यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है, यदि आपको ये 6 स्थिति पसंद आया हो तो मेरे चैनल श्रवण लेक्चरर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल श्रवण लेक्चरर से जुड़ जाइए, थैंक यू फ्रेंड्स।